प्रश्न आया और भाई भाई तो आपको याद है और भाई भाई टू का पाठ हुआ अभी से क्या था साइन पाई का मान भी जब पाई का मान जीरो तो थ्री पाई पर भी यानी कि और सीधे होलसेल रेट में बोलेंगे अगर साइन का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है उसका मान साइन जीरो जीरो साइन टू पाई थ्री पाई फोर पाई एक लाख पाई दस करोड़ और हुआ साइन के एंगल अगर जैसे ही हम पाई का गुणांक बोल दिया कोई भी इंटीजर बोलाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसीलिए हम लिख देते हैं फॉर्मूला के रूप में साइन एक पाई बराबर ये होलसेल रेट हो गया क्या खुदरा जैसे ये क्या है इंटीजर ये क्या जीरो रखेंगे साइन जीरो का मान जीरो एक रखेंगे पाई बनेगा साइन पाई का मान यानी कि पाई का गुणांक जैसे ही आप इंटीजर बोले साइन का वैल्यू साइन एक और पाई बराबर आप मैट्रिक में ये बोल रहे थे साइन जीरो बराबर हम आपको बताइए आगे उसका बढ़ जाएगा तो इस पर की साइड हो गया अब आते हैं भर विकल्प इसमें से ये दो तो आपको याद है और साइन पाई बाई टू मैं साइन नोबेल का मान वन होता है ठीक है जब इस पर वन होता है इस पर माइनस वन हो ये अभी हम लोग चीज करके देखते हैं कि सही बात है कि ये तो इस पर निकाल देते हैं और इस पर जो आएगा उसी पर उसी वही मान ले इस पर भी आएगा तो चलिए वो निकालते हैं किसका साइन थ्री पाई बाई टू का हम इसको समझ रहे अननोन एंगल है हमको मालूम इसको कोण में बदलने का तरीका अभी सीखे हॉरिजॉन्टल में बदल दे क्या बोलिए बोलो बोलो टू पाई 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 होगा टू पाई प्लस पाई होल बाई टू ना अब तो उसे भाग दे दें पाई प्लस ठीक है अब हॉरिजॉन्टल है तो उसी तरह